क्या ये पाकिस्तानी है? हिंदुस्तान में है? बीजेपी कहता है कि हम बहुत काम कर लिए, आपको 3 करोड़ रुपया मिलता है, मुख्यमंत्री का फंड है, ये 50 जाइए 50 लाख रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं, ठहर जाइए, सेवा तो करते करते ही लोग थक गए, हम लोग मर चुके हैं। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के विधायक, पटना के दिघा के विधायक हैं संजीव चौरसिया, वो पटना में अपने विधानसभा क्षेत्र के कुछ इलाकों में दौरा कर रहे थे, वहाँ के जलजमाव की समस्याओं को लेकर के। ऐसे में विधायक जी को वहाँ के स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया, साफ कह दिया है कि यहाँ से वापस चले जाइए। नितिन नवीन को याद करते हुए उन तमाम स्थानीय लोगों ने साफ किया कि नितिन नवीन होते तो आते रहते, आप तो जब से जीत गए हैं तब से कभी आए नहीं हैं। यही नहीं कहा इन तमाम लोगों ने, ये भी कह दिया कि आप यहाँ क्यों आएंगे, हमें ऐसा लगने लगा कि हम भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहते हैं। सुनिए किस तरीके से बीजेपी के दिघा विधानसभा क्षेत्र से विधायक संजीव चौरसिया को स्थानीय लोगों ने अपने इलाके से खदेड़ दिया और किस तरीके से जम के सुनाया। ये विकास है, ये दिघा विधानसभा का विकास है, नीतीश कुमार का जो विकास है, जो देख सकते हैं खास तौर से जो विधायक जी खुद पानी में ओड़ा में बंद होकर आ रहे हैं, दिघा विधानसभा का विकास है, बहुत स्मार्ट सिटी का यही है, यह स्मार्ट सिटी है, पटना का स्मार्ट सिटी है, उसमें विधायक जी है जिनके, इनका देख सकते हैं कपड़े भी नेटे हुए हैं। आप ये बताइए, ना ठहर जाइए, सेवा तो करते करते ही लोग थक गए, हम लोग मर चुके हैं, ये बताइए कि आज तक कभी आए आप देखने के लिए? बहुत बार जी नहीं आते हैं, आप विनोद के आते हैं, आप अपने कार्यकर्ता के आते हैं, हाँ नितिन नवीन रहता मित्रा तो हम लोग दुख दर्द को समझता, नवीन सुधर सिन्हा समझते थे लेकिन आप नहीं समझे, उन्हीं का पहला फंडिया शत्रुघ्न सिन्हा, जाइए शत्रुघ्न सिन्हा 10 साल रहे, रविशंकर बाबू ठाकुर बाबू के लड़का है उनका, आज इज्जत से हम लोग नाम लेते हैं ठाकुर बाबू को, आज जो पटना के लिए जो करके गए हैं, आज तक कोई माई के लाल नेता नहीं पैदा लिया है, लेकिन रविशंकर बाबू भी कभी बस्ती का हाल देख लीजिए, क्या ये पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तान में है? बीजेपी कहता है कि हम बहुत काम कर लिए, आपको 3 करोड़ रुपया मिलता है, मुख्यमंत्री का फंड है, ये 50 करोड़ ठहर जाइए 50 लाख रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं, जनता को बेकूफ बना के अपना राजनीतिक सेकना है, तो सेकते रहिए बाबू, हम यही कहां जोड़ेंगे कि हम लोग को अपने कर्म पर जीने दीजिए, आप कृपा करके मेरे यहाँ मत आइए, एनओसी का कहानी छोड़ दीजिए, आप मेरे बस्ती में मत आया कीजिए, कोई भी नेता हो एकदम बहिष्कार कीजिए, एकदम वोट बंद दीजिए, क्या पार्षद साहब कभी तगड़े नहीं आए बेचारे, कई बार हम लोग जाके कहे चंदा लेके सुनिए ना, जाइए अपना खिलाते अपना अपना खर्चा पूछिएगा, हम लोग सब कुछ किए हैं, पास हमेशा जाते हैं भैया कुछ कीजिए, भैया तकलीफ में है, बोले बोलते हैं तकलीफ में है, तकलीफ में है, 1 रुपया रखा है, हम खुद खर्चा किए, कौन इंजीनियर बनाया है, बिजली का तार 1 हाथ ऊपर है।